नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक सेना बनाने के लिए जिनपिंग ने फिर बढ़ाया डिफेंस बजट, जानिए भारत के लिए कितना हो सकता है खतरा। सारा डिटेल आज के इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए आपका भाई ऐसे तमाम डिफेंस न्यूज डेली बेसिस में लाता रहता है। आपका छोटा छोटा लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ऑलवेज मुझे मोटिवेट करता है आने वाला दिन में कुछ न्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ा दिया है भारत के बजट से, यह 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के बजट से 4 गुना कम। लेकिन क्या शी जिनपिंग चीन की सेना को 2050 तक ऐसी, यदि हम बात करेंगे ऐसे ही बजट की, शहरों में सबसे ताकतवर सेना बना पाएगा? क्या चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री देश बन पाएगा? क्या चीन अमेरिका को पीछे छोड़ के नंबर 1 हो सकता है? क्या चीन रूसिया को ऐसे पीछे छोड़ चुका है? यदि मैं बात करूँ 2050 अभी 2026 आने वाला 25 से 26 साल यदि भी है, क्या चीन नंबर 1 हो सकता है पूरे वर्ल्ड में? क्या भारत यहाँ पर चीन को पीछे छोड़ के नंबर 1 हो सकता है? बहुत सारे आज के इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देना करके वीडियो को शुरू करते हैं। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ न्यू अपडेट के तहत। देखिए, इसको हम पहले विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। चाइना ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ाकर $232 बिलियन कर दिया है, यानी कि $232 बिलियन कर दिया है। यू कैन इमेजिन, भारत की हम बात करेंगे, भारत के रुपया में यह राशि 19.23 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा है, भारत की बजट से 3 गुना ज़्यादा। भारत का इस साल का रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा है। क्या इसमें भारत को क्या खतरा हो सकता है? देखिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चीन ने जितना भी पिछले साल बजट बढ़ाया था उतना ही इस साल भी बढ़ाया है, यानी 7.2%, और अमेरिका के बाद चीन अपने मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। भारत के रक्षा बजट से वह 3 गुना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अमेरिका चीन से 4 गुना ज़्यादा है, तो यानी करीब 70 लाख करोड़ रुपया। यू कैन इमेजिन, तो चीन अपने मिलिट्री का बजट इतना क्यों बढ़ा रहा है? यदि हम बात करेंगे, वजह यह है कि अमेरिका, ताइवान, जापान के साथ लगातार तनाव। यदि हम ये बात करूँ, यहाँ पर हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी शामिल करने के लिए चीन सोच रहा है। जहाँ तक हम बात करेंगे, न्यू हथियार बनाने के लिए सोच रहा है, अपनी तीनों सेनाओं का मजबूत करने के लिए भी सोच रहा है, विमान वाहक पद की संख्या और परमाणु हथियार को भी संख्या बढ़ाने के लिए चीन सोच रहा है। जिनपिंग ने यह कहा था कि 2050 तक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाएंगे और बनाकर भी दिखाएंगे, तो इसके लिए जिनपिंग ने अपने जी जान लगा चुका है। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले यह कहा था कि साल 2050 तक वह चीन की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना देगी। इसके लिए वो स्वदेशी तकनीक पर ध्यान दे रही है। चीन अपना हथियार, विमान, युद्धपोत, मिसाइल, परमाणु हथियार सब कुछ खुद बना रहा है, और इस हिसाब से हम बात करेंगे किससे खरीद नहीं रहा है, यानी कि अपना देश में बना रहा है। जहाँ तक हम जैसे हमारे भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसी हिसाब से वो अपना इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ कर रहा है, और अपनी खुद की बलबूते पर चीन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और काफ़ी हद तक अच्छी न्यूज़ है चीन के लिए। बट हम देखेंगे भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, और आने वाला दिन में अमेरिका इसके ऊपर क्या काम कर सकता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से हम बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टर के हिसाब से हम बात करेंगे, ताई मिंग चिंग ने यह कहा है कि जिनपिंग अगर रक्षा आधुनिकीकरण करना है तो यहाँ पर 2 चीज वो बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रिफर्म्स के तहत इसको आपको लेना पड़ेगा, तो उन्होंने ज़्यादा शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। चीन की यदि मैं बताऊं, यहाँ पर चीन की जितना खर्च अपने मिलिट्री पर करता है वह वर्तमान बजट से 30 से 35 गुना राशि है, क्योंकि इसमें R&D, खरीदारी, पेट्रोलियम और कोस्ट गार्ड का खर्चा शामिल है। सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पर रिसर्च और डिजाइन का काम पूरा हो रहा है, अब सिर्फ हथियार बन रहा है चीन में। देखिए, चीन ये कह रहा है, देखिए चीन ने ये कहा कि चीन 3 दशकों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, अब वह इनके आगे बढ़ा रहा है, वह इसमें आगे बढ़कर मिसाइल, फाइटर जेट और युद्धपोत बनाने की एक अलग कदम उठा रहा है। अगर जिनपिंग को 2050 तक चीन की सेना को सच में दुनिया का बादशाह बनाना है, तो उसे हर साल रक्षा बजट में 2 डिजिट की बढ़ोतरी करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट्स है यहाँ पर। जिनपिंग ने पिछले साल मिलिट्री और डेलीगेशन को अपडेट कर रहा था, जहाँ तक हम इंटीग्रेटेड और नेशनल स्ट्रेटेजिक सिस्टम और कैपेबिलिटी के तहत बढ़ा रहे थे। इसका मतलब यह होता है कि मिलिट्री और सिविलियंस तकनीक को मिलाकर एक मजबूत सेना का निर्माण किया जा सकता है। इसमें यदि हम बात करें सिविलियन की इंडस्ट्री में, इसका विदेशी से खरीदने की भी अपडेट हो सकता है। भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ पर मिसाइल और रॉकेट फोर्स में बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था इस समय धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सेना के लिए इतना बजट बढ़ाना या
बताते हैं कि चीन अपने तैयारी तेजी से कर रहा है। चीन साल 2021 में मिलिट्री के हिसाब से हम बात करेंगे या दूसरे दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीन कोशिश कर रहा है सबसे आगे आने के लिए। तो यहाँ पर परमिशन के तहत भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या अपडेट हो रहा है, मिलिट्री डेटाबेस के तहत उसको अनुमति भी अब वहाँ से भी मिल जाता है तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ें में थोड़ा सा दिक्कत है और अधिक सटीकता और क्षमता वाले तेज गति हथियार बनाना जा रहे हैं और वो भी बेहद कम दाम में। तो यहाँ पर एक चीज़ भी है, चीन की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर एयरफोर्स मिसाइल फोर्स और रॉकेट फोर्स में हाल ही में यदि हम बात करेंगे हाल ही के दो वर्षों में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगा है। यदि मैं बात करूँ विकास का काम रुक गया है, कई नेता और यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर नज़रबंद हो चुके हैं और उस हिसाब से हम बात करेंगे स्पीड और जेल, यहाँ पर सफर और जेल में लोग कालाधिपात कर रहे हैं। लेकिन चीन लगातार अपने मिलिट्री इंडस्ट्री बेस बढ़ा रहा है ताकि वो आने वाला दिन में नंबर वन हो सके सस्ते मिसाइल और सस्ते सोल्जर को साथ रख। भारत के लिए कितना खतरा है चीन का इस बजट से? देखिए चीन का संघर्ष इस समय कम से कम चार देशों से तो चल रही है, अमेरिका, ताइवान, जापान और भारत। भारत के साथ सीमा विवाद है, ताइवान पर कब्जा करने की चाहत है, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में यहाँ पर बसाहत हासिल करने की इच्छा चीन को मजबूर कर रही है और अपनी सेना की ताकत बढ़ाने की। चीन जिस तरह की हथियार बना रहा है और पाकिस्तान के साथ बांट रहा है इससे भारत को यहाँ पर यह आ रहा है कि भारत को दो तरफा संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। जिसमें बात करूँ क्योंकि दो तरफ यहाँ पर खुद ही हमला में भारत की काफ़ी ज़्यादा नुकसान हाल ही में अपडेट नहीं हुआ है बट होने वाला है, क्योंकि वह सीमा के इलाके में स्वदेशी मिसाइल फाइटर जेट्स की तैनाती करेगी जिनके जानकारी भारत को नहीं होगी। तो भारत आने वाला दिन में भी इसको अपडेट कर सकता है कि इस चीज़ के ऊपर वो कैसे काम करे, तो ये कहीं ना कहीं अपडेट है और उस हिसाब से उसको मॉडिफाई भी किया जाएगा। और आने वाला दिन में भारत इसके ऊपर काम कर रहा है, न्यू वेपन सिस्टम, न्यू ड्रोन सिस्टम के ऊपर भारत आने वाला दिन में ज़रूर इसको अपडेट करेगा फ्रेंड्स।